माँ सिमसा संतान दात्रीम नाम से भी प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में माँ के मंदिर में खासी रौनक देखने को मिलेगी। माँ सिमसा का मंदिर मंडी जिला की लड़भड़ोल तहसील में है। चकाचक सड़क सुविधा के साथ मंदिर का भव्य परिसर है, जहाँ पर हर सुविधा आसानी से मिल जाती है। माँ सिमसा का मंदिर जोगिंदर नगर विधानसभा की सिमस पंचायत में है। पंचायत प्रधान विवेक जसवाल के अनुसार नवरात्र के दौरान आने वाले हर श्रद्धालु के लिए युवक मंडल सिमस 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहता है। युवक मंडल के सदस्य सुबह 5 बजे की चाय से लेकर भोजन तक की व्यवस्था करते हैं तथा रहने का भी पूरा प्रबंध युवक मंडल द्वारा ही किया जाता है और ये सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है। उन्होंने बताया कि आज से ही माँ सिमसा के दरबार में निसंतान महिलाओं का आना शुरू हो गया है। स्वप्न में माँ आशीर्वाद के रूप में फल सब्जी नवजात शिशु या श्रृंगार में स्वयं माँ दर्शन देती है। तत्पश्चात कुछ नियमों की पालना करते हुए निसंतान औरतों को संतान प्राप्ति होती है। प्रदेश के साथ साथ विदेशों से भी महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए माँ के दरबार में पहुँचती हैं और नवरात्र के दौरान यहाँ काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। जय सिमसा माता दी। मैं स्वयं माँ सिमसा का पुजारी और मंदिर कमेटी सेक्रेटरी सुरेश कुमार। सिमसा जो है तेरी माँ सिमसा या कोई भी ये माँ है, देवी माँ है, ये स्त्री रूप में आती है। तो ये जो बहनें, ये जो महिलाएं जो हैं इस मंदिर में जो है संतान प्राप्ति की इच्छा से आती हैं, जब तो ये सोती हैं तो इन्हें कोई भी स्त्री रूप में, जैसे लड़की, कन्या, औरत, सुहागिन स्त्री या स्वयं माता रानी, पूरे श्रृंगार में जो है वो इनके सामने आती हैं और वरदान के रूप में कोई भी इन्हें फल देती हैं। ज़्यादातर में क्या है कि जैसे फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है या वेजिटेबल, हरी सब्जी या बेबी बच्चा भी इनकी गोदी में डालती है, या इसके अलावा भी कुछ एक आइटम होती हैं जो इन्हें वरदान के रूप में जो है माता रानी देती है। फिर एक इंस्ट्रक्शन होती है कि जब तक वो संतान इनके घर नहीं होती है और संतान को लेकर इस दरबार में नहीं आते हैं, तब तक इन्हें वो फल जो है इस्तेमाल नहीं करना होता है, नहीं खाना होता है। बुजुर्ग बताते आए हैं कुछ एक फल है जिन्हें फीमेल में रखा गया है, ठीक है, स्त्री रूप में रखा गया है, जैसे आपका भिंडी हो गई, खीरा हो गया, अंगूर हो गया। लेकिन ये है, अगर वो देती हैं तो माता रानी जो है बेटा भी उन्हें हमेशा जरूर देखती हैं, क्योंकि ये भी मेरा लगभग 46 की मेरी उम्र हो गई है, तो मेरे जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है उसमें मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है। कंट्री में माता का ऐसा जो लोगों को देखने को मिला कि किसी कंट्री में माता का आशीर्वाद लोगों को संतान प्राप्ति हुई हो? जी देखिए, अभी हाल ही में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 20 दिन पहले की बात है, इंडोनेशिया की बहन आई थी, परंतु उन्होंने जो है थी इंडोनेशिया की ही, लेकिन इधर राजस्थान में सेटल है वो। अभी एक महीना पहले ही न्यूजीलैंड से एक बहन आई थी, न्यूजीलैंड में रहती है, बेसिकली पंजाब की है। लेकिन विदेशों से हमारे साथ आज की डेट में आप समझ सकते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, तो इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे पुजारी भाई हैं, हम भी हैं उसमें, तो हमसे बहुत ज़्यादा NRI जो है वो इस मैया के साथ जुड़े हुए हैं। आपको काफ़ी पीछे ले जाना चाहता हूँ, लगभग 450 वर्ष पहले की बात है ये, जब इस माँ की जो है उत्पत्ति हुई थी। ये पिंडी रूप में विराजमान है। हमारे इधर स्थानीय भाषा में एक लोकल में एक सब्जी निकलती है होली शिवरात्रि के समय पे, तलडी नाम की, उसकी खुदाई करने के लिए एक व्यक्ति गया था, तो उसी दौरान ये माँ सिमसा की जो है पिंडी खुदाई के दौरान निकली थी, और माँ सिमसा ने प्रकट होने के, उसके सपने में प्रकट हुई थी कि वहाँ मेरी पिंडी है और उसे आप निकाल के लाइए। फिर जैसे ही उसे डोली में डालकर लाया गया था, और माँ सिमसा ने यह भी साथ में आदेश दिया था कि जहाँ मुझे अच्छा स्थान लगेगा वहाँ मैं स्वयं विराजमान हो जाऊँ, तो जैसे ही यहाँ विश्राम के लिए वो रुकते हैं तो ये पिंडी समेत डोली ही जो है जमीन में समा जाती है, सिर्फ ये अंश जो है दर्शनों के लिए रह जाता है। आपने ज़्यादा ही कुछ अटपटा सा सवाल मेरे से किया है, लेकिन देखिए मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से ये बहनें आती हैं, जितनी भी हैं पूरे भारतवर्ष से बहनें आ रही हैं, जहाँ तक रही ये जो आपने सवाल किया, तो उसमें मैं ये जानना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये बहनें हैं, मेरे पास कम से कम 20 स्टेटों के श्रद्धालु आए हुए, उन्हें आप ये पूछिए कि यहाँ किस चीज़ का आपको पैसा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खाना खिलाया जा रहा है पुजारियों की तरफ से,
तो ये तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को, बाकी यहाँ कोई असुविधा है तो बताइए। मंदिर डेवलप हो रहा है बाकायदा, देखिए आप इंतजाम है, CCTVs हैं, ये दान पात्र लगा हुआ है, कोई एक रुपये अंदर नहीं जाता, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। जो सरकार करती है उससे भी अधिक जो है वो पुजारी लोग कर रहे हैं। युवक मंडल प्रधान रविंद्र जसवाल सिमस, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 2 अप्रैल से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि सभी श्रद्धालु आकर अपने माता रानी के दर्शन करें और आशीर्वाद लें, और यहाँ पर युवक मंडल के द्वारा 10 दिन के लिए विशाल भंडारा जो है शुरू होगा, इसमें समस्त सिमस वासी और युवक मंडल महिला मंडल सभी का बहुत सहयोग रहता है, और हमारा सभी इलाका वासियों और श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, और मंगलवार को हमारे यहाँ पर रात्रि में माता सिमसा रानी के नाम से विशाल जागरण है, तो उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। बाकी अगर यहाँ पर कोई भी बाहर से श्रद्धालु आता है और उसको अगर थोड़ा भी कोई व्यवस्था में ये लगता है या वो अपने को यहाँ ठगा महसूस करते हैं, कोई उनके साथ जबरदस्ती प्रसाद देने या किसी भी चीज के लिए करता है, तो आप आगे युवक मंडल पर संपर्क करें, आपके जो है समस्या का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए लड़बड़ोल से सुधीर शर्मा के साथ जोगिंद्र नगर से अमित सूद।